दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। एक बहुत ही छोटी सी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कि काउंसलिंग के बाद से एडमिशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इस विषय पे बात करेंगे इस वीडियो में कि काउंसलिंग के बाद से कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं एडमिशन के टाइम। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तब ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और आपके कॉलेज वाले भी एक लिस्ट देंगे, वो बताएंगे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। मगर उससे पहले अगर आप वीडियो देख के अपनी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेंगे तो शायद आपको बार बार आना जाना नहीं पड़ेगा। तो पूरे डॉक्यूमेंट्स को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स और काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स जो आपके लगेंगे एडमिशन के टाइम। ठीक है, तो बात करते हैं पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की। तो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो आपको पता है कि आधार कार्ड लगना है, चार फोटोज लगेंगे। फोटो की संख्या कॉलेज कुछ 4, 6 और 8 तक मांगती है। और फोटो में कोई ज़रूरी नहीं कि आप वही फोटो दें जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया, नहीं, अगर वो फोटो है तो बेस्ट है, अदरवाइज आप कोई भी फोटो दे सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट लगना है, कास्ट सर्टिफिकेट और निवास रेसिडेंशियल प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। और देखिए इनकम सर्टिफिकेट की बात जहाँ तक करें तो आप अपने पेरेंट्स के भी लगा सकते हैं, आपका स्वयं का भी है तो वो बेटर है। मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि हर एक साल मेरे अपने कॉलेज से मुझे स्कॉलरशिप मिलती है और मैं अपना सेल्फ अपना इनकम सर्टिफिकेट लगाता हूँ। तो ठीक है, आप अपना भी लगा सकते हैं, पेरेंट्स का भी लगा सकते हैं, कितना पुराना हो। तो देखिए कॉलेज में जमा करना बहुत मैटर नहीं करता, कितना भी पुराना हो, ऑलमोस्ट 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बात कॉलेज की है। लेकिन जब स्कॉलरशिप की बात होगी तो प्लीज़ आप जरूर लेटेस्ट बनवा लीजिएगा, प्लीज़, स्कॉलरशिप की दूसरी बात है। बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, तो वो भी आप दे सकते हैं। रेसिडेंस स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मतलब क्या होता है कि आपके जिले के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनता है जो कि 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, वो ये दर्शाता है कि आप टोटली स्वस्थ हैं। तो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में यही डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, फोटो, आय, जात, निवास और आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। बात करते हैं एकेडमिक में क्या लगना है। एकेडमिक मतलब कि आपकी जो डिग्री होती है, जैसे आपकी 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपकी ये डिग्री लगनी है। अगर आपने पीजी किया है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है। इसके अलावा आपका सीसी लगेगा, मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र। टीसी भी आपको जमा करना होता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अच्छा, टीसी इन केस मान लीजिए आपने जहाँ से ग्रेजुएशन किया है उसी कॉलेज में आपको दोबारा बीएड मिल जाता है तो फिर टीसी की ज़रूरत नहीं होती है, पर मोस्टली ऐसा होता नहीं है, तो आप प्लीज़ अपने पुराने कॉलेज से टीसी जरूर ले लीजिएगा। इसके बाद माइग्रेशन, माइग्रेशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट उन बच्चों का लगेगा जिनकी यूनिवर्सिटी चेंज हो रही है। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया है DDU से और आपका एडमिशन हो रहा है RMLAU में, तो फिर आपको माइग्रेशन देना पड़ेगा। अगर आपने सेम जिस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है उसी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं तो आपको माइग्रेशन नहीं देना पड़ेगा। बात कर लेते हैं गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट कॉलेज अलॉट होने के बाद ही आप बनवाइएगा, ये तहसील या कचहरी के सामने वो जो लोग प्रिंटर वाले भैया रहते हैं जो टाइप करते रहते हैं वो बना देंगे। गैप सर्टिफिकेट लगता कब है, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन 2019 में किया और आप बीएड में एडमिशन 2021 में ले रहे हैं, ये 2 साल का गैप सर्टिफिकेट बनेगा। इसमें रीज़न ये लिखा जाएगा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे। ओके दोस्तों, तो एकेडमिक में 10, 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन अगर यूनिवर्सिटी चेंज होती है तो, और गैप सर्टिफिकेट। अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स की। तो काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको बीएड का रजिस्ट्रेशन जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया था, आपका एडमिट कार्ड, आपका स्कोर कार्ड जो आपका रिजल्ट आया था और जिसमें रैंक बना था, और उसके बाद आपको देना होगा कॉलेज रजिस्ट्रेशन जिस पे आपने ये 5,750 रुपये पेमेंट किया था, उसके बाद जो लास्ट पेमेंट आपने 51,000 का किया था वो देना पड़ेगा, ठीक है। और यूनिवर्सिटी के तरफ से जब आपको कॉलेज अलॉट होता है तो एक अलॉटमेंट लेटर मिलता है, वो आप वहीं से डाउनलोड कर लेंगे जहाँ पे आपने बीएड रजिस्ट्रेशन किया था, तो वहाँ से कॉलेज अलॉटमेंट आप ये देखिए। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि इन डॉक्यूमेंट्स में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कॉलेज अलॉटमेंट लेटर। कई बार क्या होता है कि पूल काउंसलिंग वाले स्पेशली ध्यान दें, पूल काउंसलिंग वाले जितनी जल्दी हो सके आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज थोड़ा टाइम देती है कि आप बना लीजिए, बना के थोड़ा सा जमा कर सकते हैं, मगर अच्छा होगा कि आप कॉलेज जाने से पहले ही अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखते हैं तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो बहुत ही ये छोटी सी और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी आपके लिए, ठीक है। मुझे लगा कि आप सबको बता दें ताकि आपको परेशान ना होने पड़े। बाकी अगर कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल से आप जुड़ सकते हैं, मुझे खुशी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सी यू इन द कमेंट बॉक्स। बाय बाय।